हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आलू से बना टेस्टी नाश्ता। आज मैं पोटैटो बॉल्स बनाने जा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आलू के बनते हैं, उनको बनाना बहुत आसान है और जो इसका जो टेस्ट है वो बहुत अलग आता है। जैसे आमतौर पर हम पकौड़ियाँ बनाते हैं उससे बहुत अलग आता है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आपके कोई मेहमान आ जाए तो आप कभी भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि बनाने में कोई टाइम नहीं लगता और बहुत इजी है बनाना। तो जो है आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। देखिए देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं, इसको हम सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 8 से 9 प्याज लिए हुए हैं, उसको छील लिया है, पहले धुल लिया है। इसको कट कर लेते हैं। अब इसको बड़ा बड़ा कट करेंगे, हम छोटा नहीं कट करना है। और जो भी बड़े पीसेस हों बाद में उनको हम थोड़ा सा पतला कर लेंगे, मतलब पतले पीसेस होने चाहिए, बड़े बड़े। इस तरह का प्याज रहेगा और 4 से 5 के करीब हरी मिर्च डाल लेंगे। स्पाइसी वाली डालेंगे, तीखी वाली, लेकिन इसको हम जो है बिल्कुल बारीक करेंगे, छोटा छोटा। इसको बनाना बहुत आसान है, आप जब भी इसे बनाएं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर पहले से बॉईल किए हुए आलू रखें तो और कम टाइम लगेगा। ये आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, अब इनको छील लेंगे। आलू को, आलू ही ध्यान रखिएगा अच्छे से बॉईल हों, कच्चे ना हों बिल्कुल भी, क्योंकि हमको इन्हें मैश करना है अच्छी तरह से। इसको मैश कर लेंगे। मैश करने में बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो हाथ से मैश कर लीजिएगा। इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर और जो है थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे क्रश किया हुआ, और फिर इसे अच्छे तरीके से हाथ से मिला लेंगे, मतलब बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। अब जो है इसकी फिलिंग बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑयल डाल लिया है थोड़ा सा, और जो प्याज हमने काटे थे उसको हम इसमें डाल देंगे। आप इसको जैसा मैंने बनाया है वैसे ही बनाइएगा, सिंपल एकदम। नमक डाल देंगे अब इसमें, क्योंकि सिंपल डालने से इसका टेस्ट, सिंपल बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च डाल देंगे, इसको ट्रांसपेरेंट होने तक इसको हम भूनेंगे। हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए वो भी अच्छा लगेगा। और इसमें फिर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, मतलब पूरी तरह से प्याज जो है मुरझा जाना चाहिए, सॉफ्ट हो जाना चाहिए बिल्कुल, जिससे कि अच्छे से भरा जा सके इसको। अब जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये जो हम आलू के जो फिलिंग करेंगे आपको थोड़ा हार्ड चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं चाहिए, तो आप क्या करिएगा, जब ये बन जाए तो बनने के बाद में इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, 1 घंटे के लिए। तो ये हार्ड हो जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इस तरह से इसकी फिलिंग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें भरते चले जाएंगे और अच्छे से बिल्कुल चिकना कर लेंगे इसको, इस तरीके से सारे बना लेंगे। मैंने आलू फ्रिज में नहीं रखा है, मैं ऐसे डायरेक्टली बना रही हूँ। आलू को आपको फ्रिज में नहीं रखना है, जो ये मैं बॉल्स बना रही हूँ इसको रखना है फ्रिज में, तो मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, डायरेक्टली ऐसे बनाऊँगी, तो जिस वजह से ये सॉफ्ट बनेंगे। ये सारे के सारे मैंने फिल कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं बनना है, बस 1-1 चम्मच आ जाए, बस चिकना कर लीजिएगा इसको अच्छे से। यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है 1 कप के लगभग। अब जो है ये जितने भी हमने बॉल्स बनाए थे पोटैटो बॉल्स, इसको हम कॉर्नफ्लोर में अच्छे से इस तरीके से डाल के उसमें लपेट लेंगे, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे हम, जिससे कि अच्छे से चिपक जाए इसमें।
करीब आधा घंटे रख दीजिएगा आप। इस तरह से सारे के सारे हम कॉर्नफ्लोर में सेट कर लेंगे। हमारे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो अच्छे से सेट हो गए हैं। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे और पहले धीमी आंच पे रखना है, और जो है जब हल्का सा जब ये ब्राउन होने लगे तब इसको पलटिएगा, नहीं तो टूट जाएगा। इस तरह से इसको जो है फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। देखिए कितने सुंदर बने हैं, हमारे पोटैटो बॉल्स बन के रेडी हैं। आप चाहें तो उसे टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और मैं यहाँ बर्गर बना रही हूँ उसमें भी उसको यूज़ करूँगी, और थोड़े से सॉस के साथ के लिए रखे हैं। ये ब्रेड सेक लिया है मैंने बटर में अच्छी तरह से। अब इसमें हम चाहें तो टोमेटो सॉस लगा सकते हैं, बट मुझे टोमेटो सॉस नहीं पसंद है तो मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ टमाटर का यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। आप चाहें तो लेटस लीफ लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। बस ये बर्गर हमारा बन के रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।